भिकनगांव नगर के पुलिस थाने में महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिसमें महिला थाना हेल्प डेस्क की प्रभारी अंतिम बाला रही। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ महिलाओं को जानकारी न होने के कारण कई बार पिछड़ जाते हैं। महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। शुभारंभ में SDOP प्रवीण कुमार उइके, थाना प्रभारी जगदीश गोयल सहित पूरा स्टाफ मौजूद था। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, भिकनगांव थाने में आज ऊर्जा डेस्क के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने महिला हेल्प डेस्क बनाई है, क्या पूरा मामला? आज महिला ऊर्जा डेस्क का शुभारम्भ हुआ है। इसमें महिलाओं से जो भी समस्याएं जो भी होंगी उसके निराकरण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी और उनको जो भी विधिक सहायता है वो प्रदान करने की जरूरत है। सर, यहाँ पर आपके नेतृत्व में महिला डेस्क और इसमें प्रभारी कौन है? इसमें महिला ऊर्जा डेस्क की प्रभारी रहेंगी उसमें से अंतिम वाला। सर, महिला डेस्क के माध्यम से आप नगर की क्षेत्र की महिलाओं का संदेश देना चाहते हैं? जो भी रिपोर्ट हों निर्भीक होकर थाने पे आए, उनका उचित निराकरण किया जाए और उन्हें विधिक सहायता भी प्रदान की। हेल्प डेस्क ऊर्जा डेस्क के नाम से यहाँ पर सेल स्थापित की गई है, क्या पूरा मामला? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उसका महिला डेस्क जिसका नाम है महिला हेल्प डेस्क, आज उसका शुभारंभ हुआ है। महिला डेस्क ऊर्जा का उद्देश्य यह है कि जो भी कोई पीड़ित महिला थाने पर आती है तो उसे किस संस्था के द्वारा क्या सहायता मिलेगी उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो इस ऊर्जा डेस्क के माध्यम से हम जो भी पीड़ित महिला आएगी हम उसकी समस्याओं को सुनेंगे, हमारे स्तर पर जो भी निराकरण हो सकेगा हम वो करेंगे और यदि दूसरी संस्था के द्वारा उसका निराकरण हो सकेगा तो हम आगे वो कार्रवाई उनकी सहायता करेंगे। महिला ऊर्जा डेस्क स्थापित होने से आज भिकनगांव में महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला ऊर्जा डेस्क अगर कुछ भी उनके साथ होता है, अगर वो थाने पर आती है तो महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से मेरे द्वारा मेरे चार महिला साथियों के द्वारा जो भी सहायता मतलब मिलेगी वो उनके द्वारा मिल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।